साजी नवाजी सत्कारयोग साध संगत जीओ आओ समुची संगत गुरु पातशाह जी दे चरणा दा अगमी रस माणदिया होया साहब जी दे चरणा नाल पई हुई प्रीत दी गंढ नूं कुटण वास्ते मजबूत करन वास्ते सारियां संगतां रसना द्वारा शब्द विच बोलिए। पहलों दास बोलेगा, फिर सारे वीर। तीसरे हिस्से च भैणां नूं भी बेनती है, सारे कृपा करो सभना दी हाजरी सुरत करके साहिब जी दे चरणा विच लग जाए। आओ सारे प्यार नाल अपने साहब जी के पावन चरणा नूं फड़ के गाइए। सब किछ तू है, सब किछ तू है, सब किछ तू है, तू है मेरे प्यारे। सब किछ तू है, सब किछ तू है, सब किछ तू है मेरे प्यारे। सब किछ तू है, सब किछ तू है, सब किछ तू है, तू है मेरे प्यारे। सब किछ तू है, सब किछ तू है, सब किछ तू है, मेरे प्यारे। जपो जी सारे बोलो। सब किछ तू है, सब किछ तू है, सब किछ तू है, सब किछ तू है, तू है प्यारे। सब किछ तू है, सब किछ तू है, सब किछ तू है मेरे प्यारे। सब किछ तू है,
तेरी कुदरत को बात जाई जियो, कुदरत को बल जाई जियो, तेरी कुदरत को बल जाई जियो, तेरी कुदरत को बल जाई जियो, सब किस तू है, सब किस तू है, सब किस तू है, तू है मेरे प्यारे, सब किस तू है, सब किस तू है, सब किस तू है, तू है मेरे प्यारे, सब किस तू है, सब किस तू है, सब किस तू है, तू है मेरे प्यारे, सब किस तू है, सब किस तू है, सब किस तू है, तू है मेरे प्यारे, कहया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माना, गरीबा अनाथा तेरा माना, सब किच तू है, प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो, कुदरत को बल जाई जियो, तेरी कुदरत को बल जाई जियो, पाण उजड़ पाण राह सब किच तिसर जाई जियो, सब किच तिसर जाई जियो, सब किच तिसर जाई जियो, ना को मूर्ख ना को सियाना वरतै सब किच तेरा पाणा, 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 अगम अगोचर बेअंत अथाह तेरी कीमत कहण न जाई जियो, कीमत कहण न जाई, तेरी कीमत कहण न जाई जियो, खाक संतन की देहो प्यारे आ
आए भया हर तेरे द्वारे, आए भया हर तेरे द्वारे, आए भया हर तेरे द्वारे। दर्शन पेखत मन आगावे, नानक मिलन सुपाई जियो, नानक मिलन सुपाई जियो, नानक मिलन सुपाई जियो। सब किच तू है, सब किच तू है, सब किच तू है, तू है मेरे प्यारे, सब किच तू है, सब किच तू है, सब किच तू है, तू है मेरे प्यारे, सब किच तू। सब किच तू है, सब किच तू है, सब किच तू है मेरे प्यारे, सब किच तू है मेरे प्यारे, सब किच तू सब किच तू है, सब किच तू है, सब किच तू है, तू है मेरे प्यारे, सब किच तू है, सब किच तू है, सब किच तू है मेरे प्यारे, सब किच तू है मेरे प्यारे, सब किच तू है मेरे प्यारे। जुगो जुग अटल तख्त चबर छत्र दे मालक, दीन दुनी के साहिब पवजल तो तारन हारे सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जीओ, आओ सारियां संगतां फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां ने महान कृपा करके आप जी समुची संगत अते दासरियां नूं अपने चरणां दा प्यार बख्शण वास्ते सतसंग दियां घड़ियां बख्शियां ने। आओ समय नूं लेखे विच लाउण वास्ते मन बिरतियां नूं एकाग्र करिए, कृपा मंगिए, बख्शिश मंगिए, अरदास करिए सच्चे पातशाह जी। आप जी दे पावन चरणां दे विच साडी सुरत नूं टिकाणा मिले, मन आप जी दे चरणां नाल जुड़ जाए। आओ विचार दी अनुभता तो पहलां जिन्नियां वी संगतां गुरु की गोद विच बैठे हो, जिस गोद दा आनंद
जिस गोद दा रस जिस गोद दे हुलारे कहन ते सुन तो परे दी बात है। आओ इस रस नूं होर डूंघाई विच ले जा के मानन वास्ते कोई भी रसना बांझी ना रहे सारे एक बारी उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु गुरु पातशाह जी ने पावन वचनां दा कीर्तन सानूं बख्शिया शब्द दी टेक लैके आपां तुरे आ सब किश तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो हे मेरे प्रीतमा मेरे वास्ते सारा कुछ तू ही है तेरी कुदरत तो मैं सदके जावा कुर्बान जावा बलिहार जावा कहया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माना जो तेरे दरबार का फुरमान हुंदा हुक्म हुंदा जीव ओही करदे ने जो कुछ तू दिना ओही दाता हासिल करदे ने गरीबा नू बेसहारिया नू अनाथा नू केवल ते केवल तेरे ही चरणा का भरोसा है माण है तान है सब कुछ तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जीव आ जिन्ना भी सानू दुख है ना गुरमुखो ये भाणे दे दायरे विचों बाहर जाण करके है जिन्हें भी झगड़े ने जिन्हें भी कलेश ने जिन्हिया भी विपतावां ने जिन्हें भी संसे ने ये साडे जीवन विच तां ही आए ने असी भाणे दी हुकम दी वाड़ तों उहदी चार दवारी तों बाहर जी रहे हां सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बड़े प्यारे बचन बोल के आखिया सिखा तेनों मैं सिख उस दिन प्रमाण करांगा ध्यान देना गुरु की संगत आपां कहने जी फलाना ते महापुरख कहाउंदा है एक बेनती नूं जरा नोट कर लियो कोई नहीं कहिंदा कि सानूं महापुरख आखो दास नूं जीवन विच कोई भी इस तरह दा नहीं मिलिया पुछिए जी तुसीं की कहाउंदे हो कहिंदे असीं ते जी सिख हां बस कदे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं पुछदे सिख कौन हुंदा ते आपां सिख कौन तों वी डरदे सारी संगत बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु एक पंक्ति दे विच गुरु पातशाह जी ने किन्ना वड्डा सिधांत बख्शिश कीता सो सिख सखा बंद पै भाई कहिंदे जी असीं संत नहीं कहाउंदे असीं भाई कहाउंदे आ कहण कहाउण दी गल ही नहीं गुरमुख गुरबाणी ने ते भाई नूं भी चेहरा दिखाया ज्ञानी नूं भी चेहरा दिखाया संत दी तस्वीर भी पेश कीती है महाराज जी कहिंदे जिहड़ा मेरा मित्र बणदा है उह भी मैं दस दिंदा किस तरह दा होना चाहीदा जिहड़ा मेरा सिख है उह भी मैं तुहानूं दस दिंदा इदां दा होना चाहीदा सो सिख सखा बंद पै भाई जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे गुरु पातशाह जी ने एक वाड़ बख्शिश कीती एक चार दवारी कीती साडे जीवन दे दुआले ओ केड़ी सारी संगत पढ़े प्यार नाल ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਬਿਠਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀਏ
कुछ नेड़ता गुरु दे शब्द दी साडे जीवन च बने। सारी संगत पढ़ो प्यार दे नाल। मिठा लगदा साहिब तेरा पाणा जी, मिठा लगदा साहिब तेरा पाणा जी, मिठा लगदा लगदा साहिब तेरा पाणा जी, मिठा लगदा, मिठा लगदा साहिब तेरा पाणा जी, मिठा लगदा तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मंगे। सुहेला कहन कहावन तेरा बिखम पावन। कहना सुनना बड़ा सुख है, पाणी नु मनना बड़ा औखा। साहब जी ने बचन बख्शिश की, भाण है उजड़ भाण है राहा, भाण है हर गुण गुरमुख गावा। जे कोई रस्ते तो थिड़क गया तो उहदे नाल नफरत ना करो, उहनू ते ज्यादा प्यार दी लोड़ है। जे कोई राह भुल गया ते सिखा ए समझ के उहदी रजा च ही भुलिया, उहदे भाणे च भुलिया। सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिथे जिथे भी गए, कुछ ते उहनां लोकां नाल साहिब जी दा सामना होया जेडे तुरते रहे सी पर रस्ता गलत सी। अपने आप नूं धर्मी मन के तुरदे ते सन पर रस्ता गलत सी। घर बार छड़ के पहाड़ां दीआं कंधरां विच जाके बैठ गए, संसार दीआं जिम्मेवारियां नूं तज दिता, पिठ दिखा दिती। मेरे गुरु पातशाह जी ने जाके उन्हां नूं सही रस्ता दिखाया। कई बिल्कुल खलोते सी, उलझे हुए सी अपने जीवन दी ताणी विच, उन्हां नूं गुरु पातशाह जी ने जाके अगे तोरिया। साहिब जी कहिंदे भाणा उजड़ भाणा राहा, किसे नूं रस्ता मिल गया उह वी तेरे भाणे च, कोई गलत रस्ते ते पै गया उह वी तेरी रजा। भाणा हर गुण गुरमुख गावा, कोई गुरु वाला बन गया, किसे ने अपने जीवन का रुख गुरु दे चरणा वल नूं कर दिता, गुरु नूं मिलके हरी दे गुणा नूं गाउण लग गया, मेरे साहिब जी वह भी तेरे भाणे च ही है, वह भी तेरी रजा विच ही है। भाणा भरम भवें वो जोनी, सब कुछ तिसै रजाई जियो। कोई भरम दे विच पै गया, भुलेखे च पै गया, भरम ने जोना विच धकेल दिता, टेढ़ियां जोना दे विच भटकना शुरू करता। मेरे साहिब जी कहिंदे सारा कुछ मेरे वाहिगुरु तेरी रजा च हो रहा।
ना को मूर्ख ना को सियाना सारे झगड़े मिटाउण दी इक्को ही दवाई देती गुरु पातशाह जी ने। ना को मूर्ख ना को सियाना वरतै सब किश तेरा भाणा अगम अगोचर बेअंत अथाह तेरी कीमत कहण ना जाई जियो। मेरे साहब जी ना ही इत्थे कोई मूर्ख है ना कोई सियाना है, सब दे अंदर तेरी रजा तेरा हुक्म वरतदा है। तेरी कीमत तेरा पारला पासा तेरी गमता कोई जान नहीं सकदा। अखीर विच अरदास कीती जदों महाराज दे दरबार विच साहब जी ने हाजरी लवाई ना गुरमुख बड़े प्यार विच वजद विच गुरु घर दे कीर्तनीए भाई ब्रह्मपाल सिंह जी शब्द गायन कर रहे सी। मेरा मन लोचा गुरु दर्शन ताई बिलप करे चात्र की न्याई त्रिखा न उतरे सांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जीओ। अरदास की कीती साहब जी कहंदे खाक संतन की देहो प्यारे भागा ना मिलदी गुरमुखो बिना भागा तो नहीं मिलदी। आसा की वार दे विच रोज आप जी बचन सुनदे हो दान महंडा तली खाक ए दान है ए बख्शिश है कृपा है हक नहीं साडा कि जिथों मर्जी सिखां दे चरणां दी धूड़ी संगत दे चरणां दी धूड़ी साधु दे चरणां दी धूड़ी गुरु दे चरणां दी खाक सानू मिल जे। महाराज जी ने दान लफ्ज वरतिया ओ दाता जदों दया दे घर च आउंदा ए दान दिंदा है। दान महंडा तली खाक तेरे तलियां दी खाक तेरे चरणां दी खाक मिल जाए मेरे साहिब जी की करां फिर। दान महंडा तली खाक जे मिले जे किते मिल जे ता मस्तक लाइए। सारी संगत पढ़िए प्यार नाल रंग गूढ़ा होए थोड़ा जिहा। जे मिल जे ता मस्तक लाइए थोड़ी तेरे प्यार आंदी मिल जैता मस्तक लाए थोड़ी तेरे प्यार आंदे मस्तक लाइए थोड़ी तेरे प्यारियां दी जे मिल जैता मस्तक लाइए थोड़ी तेरे प्यारियां दी मस्तक लाइए थोड़ी तेरे प्यारियां दी तेरे प्यारे आनी
ਹੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾ ਲਵਾਂ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਖਾਕ ਸੰਤਨ ਕੀ देहु प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे मैं तेरे दरवाजे ते तेरिया बरूहां ते इस वास्ते आया मेरे साहब जी मैनू अपने प्यारियां दे चरणां दी खाक दे दे ध्यान देना गुरु की संगत सिख नू महाराज जी ने नितनेम दीआं बाणियां ये मर्यादा बख्शिश कीती है अमृत वेले जदों आपां पंज बाणियां दा नितनेम महाराज तों मंगदे आं सब तों पहली अरदास की है ध्यान देना गुरु की संगत जपजी साहिब जी दे अंदर सब तों पहली अरदास की है आवाज दिया करिए गुरा एक दे बुझाई गुरा एक दे बुझाई सारे बोलो जरा गुरा एक दे बुझाई इस तरह पाठ करो मेरे साहब जी इस तरह की बूझ बुझा दियो इस तरह की बात बुझा दियो मेरे मन को किस तरह की सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई ओ सारिया जिया का दाता मेरे साहब जी मैनू कदे भुले ना कदे विसरे ना कदे मेरे मन विचों जुदा ना होवे अमृत वेले दी सब तो मुढ़ली अरदास सिख दी ते कदे नोट कीता गुरमुखो गुरसिख ने रात नूं नींद दे आगोश विच जाण तों पहलां इक बाणी पढ़नी है जिन्हों आपां सोले दी बाणी कहिंदे हां ओदियां सब तो आखरी पंक्तियां पता की ने अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे रात नू रब दे प्यारियां दी चरण धूड़ी मंग के सोना ते सवेरे सब तो पहला नाम मंगना बस इस मर्यादा दा धारनी बन जी तेरी जिंदगी सुखां नाल भर जू सारी संगत बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु महाराज जी ते इन्ने प्यार विच खीवे हो जांदे हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना संत ते मेरी जिंदगी दा शिंगार ने जिन्हां नूं कदे नाम ना भुले कदे याद ना विसरे ओह ते मेरी जिंदगी दा गहना ने साहिब जी दे चरणां विच अरदास करदियां होया मेरे साहिब जी ने यह बचन बख्शिश कीते खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे दर्शन पेखत मन अगावे
गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं इदां देखणा है, अगावे दा अर्थ है मन रज जाणा, रजणा तृप्त हो जाणा। सच्चे पातशाह अज तेरे दर्शन करके मैं रज गया वां, निहाल हो गया अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल जां गुर देखां सामने दर्शन पेखत मन अगावे नानक मिलन सो भाई जियो। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बगदाद की धरती ते गए। आप जी ने यह साखी बहुत वारी श्रवण की होगी। भाई गुरदास जी ने बड़े प्यारे बचन बख्शिश किए ने। फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना। ध्यान देना गुरु की संगत, मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी बस्तियां तो बाहर रहिंदे सी पर अपने अंदर दी बस्ती दे अंदर रहिंदे सी। असी बस्तियां दे अंदर रहिंदे होए भी जंगली जीवन जी रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर दी अवस्था, अंदर दा टिकाणा सानू प्राप्त नहीं, अंतरमुखी जीवन है नहीं। भाई साहब जी कहंदे फिर बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना। कोई भीड़ नहीं सी गुरमुख, भीड़ बड़ी छेती छड जांदी है, भीड़ कदे धर्म नहीं हुंदी, भीड़ कदे धर्म की निशानी ना समझा जे। भाई साहब जी कहंदे एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। बस गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं इक्को ही साथी चाहीदा जिहड़ा साईं दीआं सिफतां सुणा देवे, जिहड़ा उहदा कीर्तन सुणा देवे। मेरे साहब जी नूं इस तरह का ही मित्र चाहीदा। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना, दित्ती बांग निवाज कर सुन समान हुआ जहाना। महाराज जी ने उच्ची आवाज विच सत करतार सत नाम दी धुनि लगाई, चारे पासे सुन फैल गई। सुन दा अर्थ की है, मन भी शांत हो गए, तन भी शांत हो गया, शरीर इंद्रियां दियां उडारियां थम गईयां, फुरने मिट गए जिन्हां जिन्हां दे कन्नां विच बाबे दा शब्द पिया। सुन मुन नगरी भई देख पीर भया हैराना, सारा बगदाद शहर ना अज शांत हो गया गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे जान नाल। ते उथों दा जिहड़ा मुख पीर सी, काजी सी, ओ इस अवस्था नूं देख के हैरान हो गया। उसने की कीता, वेखै ध्यान लगाए कर एक फकीर वड्डा मस्ताना। ध्यान दी दुनिया विच टिक के उन्हें तकिया, उन्हों की नजर आया, एक फकीर है जिहदे चेहरे दे उत्ते अगम्मी मस्ती है। अगम्मी मस्ती आपां शब्द बड़ी वारी पढ़दे आं, पोस्त भंग अफीम मद उतर जाए प्रभात। अगली पंक्ति भावे बाणी च नहीं पर सिखां दे हिरदिआं च जरूर वसी हुई है। किहड़े वचन? चढ़ी रहे दिन रात नाम खुमारी, नाम खुमारी, चढ़ी रहे दिन रात नाम तुम्हारी, नाम तुम्हारी, चढ़ी रहे दिन रात नाम तुम्हारी, नाम तुम्हारी, चढ़ी रहे दिन रात नाम तुम्हारी, नाम तुम्हारी।
चढ़ी रहे दिन रात, 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 चढ़ी रहे दिन रात। चढ़ी रहे दिन रात नाम तुम्हारी, नाम तुम्हारी, चढ़ी रहे दिन रात नाम तुम्हारी, नाम तुम्हारी, चढ़ी रहे दिन रात नाम तुम्हारी, नाम तुम्हारी, चढ़ी रहे दिन रात नाम तुम्हारी, नाम तुम्हारी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, तेरा जन राम रसायन माता, प्रेम रसा निद जाको उपजी छोड़ ना कतहु जाता। वेखे ध्यान लगाई कर एक फकीर वड्डा मस्ताना, ओदे नैणा दी मस्ती, ओदे मथे दा नूर, ओदे चेहरे दी शांति, ओ पीर दा हिरदा खिचिया गया। आ गया चल के पुछया फिर कै दस्त गीर, कौन फकीर किसका कहराना। साधु ते बड़े देखे ने पर इस तरह दा नहीं देखे। ए फकीर केड़ी संपर्दा दा है, केड़े घराने दा है। जिवें संगीत दे घराने हुंदे, संप्रदावां हुंदियां, जिन्हां ने जिहड़े खूह तों पाणी पीता हुंदा गुरमुखो, उह उसे खूह दे गुण गाउंदा। जिहदी कितों प्यास बुझी होए ना, उहनूं उही खूह चंगा लगदा। इस करके इह जिहड़ियां वख-वख संप्रदावां ने, इहनां नूं भंडीए ना, जिन्हां नूं जिस रस्त्यों जिहड़े तरीके नाल झलक मिली है गुरमुखो, उहदे वास्ते उही खूब है। सारी संगत बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। डेस्टिनेशन टिकाणा सारिआं दा इक्को ही है, रस्ते अलग अलग हो सकदे है पर मंजिल साडी सारिआं दी इक्को ही है। पुछिआ फिर कै दस्तगीर, कौन फकीर किसका कहराना। भाई मरदाना जी ने जवाब दिता, नानक कल विच आया रब फकीर इको पहचाना। एक कलयुग दे विच आप परमात्मा आया, ये परमात्मा दे घर दा फकीर है। इन्हें बस एक दे नाल सांझ बनाई है, एक दी इनू पहचान है, ते एक बारे ही संसार नू ये दसदा फिरदा है। इत्थे ही नहीं, धरत आकाश चौहों दिस जाना, धरती ते आकाश विच सारियां दिशावां दे विच अज गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं सारे पूजण लग गए, सारे जानण लग गए। आपां इस साखी तों अगे जाणा जिहड़ा अपना विशा है। इत्थे साहिब जी दे कीर्तन दी मस्ती नूं माणदिआं होइआं, आनंद नूं माणदिआं होइआं, इक होर फकीर आउंदा है। प्रोफेसर पूरन सिंह होणा ने एक पुस्तक लिखी, चुप प्रीत दा शहनशाह वपारी उहदा नाम है। एक लेख उहनां ने लिखिआ, बगदाद दी इस घटना नूं उहनां ने बड़े प्यार नाल वर्णन कीता। कहिंदे बहलोल नाम दा फकीर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच आ के रोज कीर्तन सुणदा, रोज दर्शन करी जाणे, कीर्तन सुनी जाणा, बोलणा नहीं बहुता। ते जदों अंदर दा भांडा भर गया ना गुरमुखो,
फिर छोटियां मोटियां कच्चियां पीलियां जी आवाजा आप ही बंद हो जांदियां। गुरु पातशाह जी अज बगदाद की धरती नूं छड़ के जदों चले बहलोल ने मन भर लिया, रोन लग्या चरण फड़ के, कहन लगा सच्चे पातशाह जी आप जी दे कीर्तन तो बिना, आप जी दे दर्शना तो बिना हुण जी नहीं लगना। मैं आप जी दे दीदार तो बिना हुण रह नहीं सकदा। मेरे साहब जी कृपा करो मैनू भी अपने नाल ही लै जाओ, मेरे तो नहीं रहा जाना। जिस तरह रात दास ने बेनती की थी ना, सिखा जदों गुरुद्वारे विचों बाहर जाए ना ते महाराज जी नूं बेनती करके आख्या कर सच्चे पातशाह मेरे नाल चलो मेरे घर, तेरे तो बगैर ते घर सुनना है ना, तेरे तो घर ते बगैर जेड़ा है वो माहौल एक डरावना माहौल है। बाणी कह रही है गुरमुखो सानू, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे सही अस्थल सोहन चुबारे, जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा सही नगर उजाड़ी जियो। जिस दिन सानू साडे घर ही उजाड़ दिसे फिर मन च बराग आना ते फिर अरदास महाराज दे चरणा च आपां करांगे। दिसदा उजाड़ जी साई दे प्यारे बाजो, दिसदा उजाड़ जी साई दे प्यारे बाजो, दिसदा उजाड़ जी साई दे प्यारे बाजो, दिसदा उजाड़ जी साई दे प्यारे बाजो। दिसदा उजाड़ जी, दिसदा उजाड़ जी साईं दे प्यारे बाजों, दिसदा उजाड़ जी साईं दे प्यारे बाजों, दिसदा उजाड़ जी साईं दे प्यारे बाजों, दिसदा उजाड़ जी साईं दे प्यारे बाजों। दिसदा उजाड़ जी साईं दे प्यारे बाजों, दिसदा उजाड़ जी साईं दे प्यारे बाजों, दिसदा उजाड़ जी साईं दे प्यारे बाजों, दिसदा उजाड़ जी साईं दे प्यारे बाजों। जिथै नाम ना जपिए मेरे गोविंदा सही नगर उजाड़ी जियो। भगत कबीर जी दे पावन वचन, कबीर जय जय हों फिरियो कौतक ठाओ ठाए एक राम सनेही बाहरा उजर मेरे भाए। कहंदे जिथे जिथे मैं फिरदा ना बड़े रंग तमाशे बड़े कौतक बड़िया रंगीनियां हो रही संसार दे विच, पर जिथे प्यारे दा
स्नेही नहीं, स्नेही अखर बड़ा प्यारा गुरमुख जेड़ा प्यारे दे स्नेह नू प्यार नू उहदे सच्चे संदेश नू साडे हिरदे विच टिका सकदा होवे। इक राम स्नेही बाहरा उहदे तों बगैर उजर मेरे भाए मेरे भा दा ते सब कुछ उजाड़ी है। सारी संगत बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरण फड़ के रोण लग गया, बराग करन लग गया, साहब जी जां तां आप जी इत्थे टिक जो जां मैनू नाल लै जो। सिख ने यही काम करना है, जां ते अवस्था इदां दी बण जाए कि गुरु दा बचन ही साडे नाल रहे। पुरातन सिख क्यों दस दस साल पंद्रह पंद्रह साल घर छड़ के रहिंदे सी महाराज दे चरणां च। आपां ते हुण इक्को गल दे पिछे पै गए जी, की लोड़ है की लोड़ है। फिर ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं बारह साल सेवा करन दी लोड़ नहीं सी। बाबा लहणा जी अपने परिवार नूं कारोबार नूं दुकान नूं छड़ के करतारपुर साहिब दी धरती ते क्यों रहे सत साल, क्यों सेवा कीती। हुणे किसी परिवार च बैठे सी दास दे अति सत्कारयोग मापिया वर्गे, सरदार रेशम सिंह होनी उत्थे विचार कर रहे सी बच्चियां बारे। कहिंदे महाराज दी हजूरी च बच्चे छाला मारदे फिरदे आ, स्कूल च टीचर दे सामने जे इदां करिए सानू स्कूल च वड़न ना देण दूसरे दिन। असी गुरु साहिब नूं गुरु दी संगत नूं गुरु दी हजूरी नूं अहमियत नहीं दे रहे गुरमुखो। इत्थे ते सिख दा इस तरह दा हिरदा बण जे सच्चे पातशाह मेरा साह वी ना उच्ची आए, इन्ना भै भावनी दे विच मन चले जाए। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरण फड़े हाथ जोड़ के अरदास करदा है, बेनती करदा है, साहब जी जां ते आप जी इत्थे टिक जाओ जां फिर मैनू नाल लै जाओ। हुण जी नहीं लगना आप जी दे दीदार तो बिना। यह अवस्था बननी चाहिए गुरमुखो, अंदर खो पवे। अंदर जिवें अमली नूं तोट लग जांदी है ना, इस तरह तोट लगन लग जे नाम दी, नितनेम दी, संगत दी, सिमरन दी, अंदर खो पवे। जिवें मां दा पुत गवाच जे मां नूं चैन नहीं आउंदा, सप दी मणि गवाच जे सप नूं चैन नहीं आउंदा, इस तरह रब दे प्यारे दे हिरदे विच्चों जदों प्रेम दा रस सुक जांदा फिर उहनूं वी चैन नहीं आउंदा। सारी संगत बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। उस रस नूं दुबारा जीवन विच पैदा करन वास्ते ते महाराज दी बाणी ने सानूं ऐसे बचन बख्शिश कीते ने जिन्हां बचनां दा कीर्तन सुन रहे सी आप। एक घड़ी दा विछोड़ा सच्चे पातशाह, एक घड़ी दा विछोड़ा सच्चे पातशाह, जुगां दे समान बीत दा। एक घड़ी दा विछोड़ा सच्चे पातशाह, जुगां दे समान बीत दा। घड़ी दा विछोड़ा सच्चे पातशाह, एक घड़ी दा विछोड़ा सच्चे पातशाह, एक घड़ी दा विछोड़ा सच्चे पातशाह,
ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੀਤ ਦਾ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌਂ ਜੁਗ ਹੈ ਸਮਾਨੇ ਰਹਿਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲ ਯੁਗ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ ਇਹ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਇਹ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਜੋਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕੋ ਜਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਹਿਲੋਲ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਪਲੋਸ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਲੀਅਰੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਓ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਰਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆਓ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਈਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मेरे साहब जी ने मेरे दातार जी ने कृपा की सिर ते हाथ धरिया हिरदे नाम वसा दिता। नाम दा नवास हिरदे विच होया। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस अवस्था दे विच टिका के बहलोल नूं जगत जलंधर नूं ठारन वास्ते तारन वास्ते साहब जी अगां गए। प्रोफेसर पूरन सिंह होणा ने उस लेख विच लिखिया, कहिंदे बगदाद दी धरती ते इक शिला लेख पत्थर दे उत्ते लिखी हुई ये बात, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे जान तो बाद 60 साल दा समा ओ बहलोल फकीर गुरु नानक दी याद विच उत्थे ही बैठा रहा। 60 साल दा समा साडे मनन दी नहीं गल होनी। बाणी ने सानू मनाउणा है, इको ही रिश्ता सिख दा ते गुरु दा, जो गुरु ने कह दिता सिख ने मनना है। जे सिख इनकारी हो गया उथे त्रिड़ पै जानी रिश्ते। भगत कबीर जी दे पावन वचन ने, कबीर गुंगा हुआ बावरा। आपा ते कहने बोलो जी बोलो कुछ सुनाओ। भगत जी कहिंदे की करिए किवें बोलीए, गुंगे बन गए असीं तां। साडी जिहड़ी सिक्खी है ना उहदा दायरा सिर्फ बोलण बालण दे दुआले ही घूम रिहा। गुरमुखो अज दे समें विच लोड है सिमरन दी। ज्ञान ते सारा तुहाडे घर तुहाडी स्क्रीन ते है। जिहड़ा मर्जी शब्द पढ़ो, अर्थ कढ़ो, पढ़ो। इन्नी कथा ते गुरुद्वारे च हो ही नहीं सकती जिन्नी तुहाडे कंप्यूटर ते हो रही है। हुण गुरु महाराज दी हजूरी विच ध्यान दी लोड़ है, ध्यान दी। ज्ञान कादे वास्ते है? तां कि साडा ध्यान जुड़े महाराज नाल। जे ध्यान नहीं जोड़ना ते फिर फोके ज्ञान दा कोई फायदा ही नहीं, लाभ ही नहीं। भगत जी कहिंदे कबीर गुंगा हुआ बावरा। गुंगा हो गया नाले बावरे दा अर्थ हुंदा कमला जिहा, मस्ताना जिहा हो गया। आपां कहिंदे असीं ते बाणी पढ़ के सियाणे बड़े हो गए। आपां ते कहिंदे आ गुरुद्वारे जा के बड़े ज्ञानी बन गए, बड़े सियाणे बन गए। पर बाणी कहिंदी है सियाणप नूं ते मारना सी,
सहस सयाणप जे कर मन कोरै रंग ना होए। सयाणपां नाल ते गल बननी नहीं इत्थे, इत्थे ते आके मस्ताने बनना, दीवाने बनना, अनजान बनना, कबीर गुंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, कहिंदे कन्ना तों वी बोला हो गया। आपां कहांगे क्यों फिर जाना गुरुद्वारे, ते काम ही खराब है। कन्ना तों बोले होण दा अर्थ की है, गुंगे होण दा अर्थ की है, बावरे होण दा भाव की है। हुण मेरी जबान नाम तों बिना कुछ बोलदी नहीं, हुण मैं दुनिया वाले पासों बावरा हो गया। हुण मेरे कन्ना नूं परमात्मा दे शब्द तों बिना, उहदे नाम तों बिना कुछ सुणदा नहीं। पाहु ते पिंगल भया, इत्थे खलोते नहीं। भगत जी कहिंदे पिंगला लूला भी हो गया, पैरां तों हुण तुरिया नहीं जांदा, पैरां तों नहीं तुरिया जांदा। पाहु ते पिंगल भया, लूला हो गया, पिंगला बन गया, पैर अपाहज हो गए। कदों होए? मारिया सतगुर बाण, गुरु ने प्रेम दा तीर मार के ए दशा कर दिती। एक बड़ा प्यारा बचन, मेरे टूटे हुए पांव तलब का मुझ पे एहसान है। हे मेरे टूटे हुए पैरों, हे मेरे अपाहज हुए पैरों, तुसी मेरे ते बड़ा बड़ा एहसान कर दिता। मेरे टूटे हुए पांव तलब का मुझ पे एहसान है, अब तुम्हारे दर से उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मेरे सतगुरा मेरे पैर टूट गए, मेरे ते तेरा एहसान हो गया, हुण मैं तेरे दर नूं छड के होर किते जान जोगा नहीं रहा। जे पैर तुरदे हुंदे ते भजदा, पैर ही टुट गए, किवें जावां? केड़े पैर गुरमुखो? हौमे दे पैर, ये तोड़ने हैं। तां ही ते बाणी सानूं वार वार कहिंदी है, दर दर दा फिरना छड दे, एक दर दा हो के बह जा। दर दर दा फिरना छड दे, एक दर दा हो के बह जा। एक दर दा हो के बह जा, एक दर दा हो के बह जा। एक दर दा हो के बह जा, एक दर दा हो के बह जा। दर दर दा फिरना छड दे, एक दर दा हो के बह जा। दर दर दा फिरना छड दे, एक दर दा हो के बह जा। फिरना छड दे, दर दा हो के बह जा। दर दर दा फिरना छड दे, एक दर दा हो के बह जा। सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहें गहें की लाज, अस गोविंद दास तुहार। कबीर गुंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पाहु ते पिंगल भया, मारिया सतगुर बाण, ओ प्रेम दा तीर मार के तुर गया प्यारा। दे गया राज अपने घर दा, समझा गया बातां अंदर दियां, आप ते तुर गया शरीर करके पर बैठा हिरदे च।
बहलोल नो 60 सालां दा समा गुजर गया। ओ गुरु नानक दी याद विच ओ प्यारे दे चरणां नाल पवित्र होई ओ थां दे उत्ते टिक गया। गुरमुखो हुण रस भर गया अंदर, भगती करके अवस्था ते बदलनी बदलनी। गुरमुखो जो बीजांगे वो बाहर ते प्रगट होएगा ही ना। बेपरवाही दी अवस्था आ गई। इस लफ्ज नूं आपां जीवन विच गलत वरतदे आ। दो चीजां ने याद रखियो संगत जी, एक है लापरवाही, एक है बेपरवाही। लापरवाही ते साडा खेड़ा ही नहीं छड्डदी, बेपरवाही आउंदी नहीं। बेपरवाही की है? बाणी नूं पुछिए, जेड़ा अपने प्यारे तो बिना, ओदे हुक्म तो बिना, ओदी रौ रीत तो बिना, ओदी मर्यादा तो बिना, ओदी आग्या तो बिना, ओदे इशारे तो बिना किसे दी परवाह ना करे, ओ एक दिन बेपरवाह हो जांदा है। रंग हसै रंग रूवै चुप भी कर जाहे, परवाह नाही किसै केरी बाज सच्चे ना। ए अवस्था बन जांदी बेपरवाह, सदा रंग हर के जां को पाक स्वामी। बेपरवाही दी अवस्था विच एक दिन हाकम आया बगदाद दा मालक, जुर्माना आया। आके बहलोल नूं कहिंदा है, फकीर साईं मंग लै जे कुछ मंगना, अज तेरे कोल शहर दा हाकम मालक बैठा है। गुरमुखो बेपरवाही दी अवस्था, बड़े प्यारे बचन अक्सर बोलते होंदे सी ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, कहंदे होंदे सी सब कुछ मांग लिया खुदा से। हां जी, सब कुछ मांग लिया खुदा से, तुझको मांग कर अब उठते नहीं हाथ इस दुआ के बाद। मेरे सहमा तेनू मांग के सब कुछ मांग लिया, हुण अरदास करन वास्ते हाथ नहीं उठते, तू मिल गया सब कुछ मिल गया। बेपरवाही दी अवस्था, हाकम कहंदा मंगो धन पदार्थ जमीन जायदाद जो चाहिदा मंग लवो। तीन वारी उन्हें वचन दोहराया, बहलोल बोलिया ही नहीं, जवाब नहीं दिता। हाकम उठ के तुर गया ते गुरमुखो बाद विच जिहड़े मरीद प्यार करन वाले नेड़े बैठे सी, उन्होंने हाथ जोड़ के अर्ज की, फकीर साईं अपने वास्ते भावें कुछ नहीं सी मंगना, पर देखो इस स्थान की हालत, इस इबादत गाह की छत डिगण वाली है, ये मकान ढहण वाला है, घट्टो घट इस इबादत गाह वास्ते कुछ मंग लेंदे। एक बड़े पते की बात समझाई गुरमुख उन्होंने, कहन लगे सजनों जदों हाकम आया सी तुसी देखिया सी मैं किस तरह बैठा सी। कहन लगे जी तुसी लत्ता पसार के बैठे सी, लत्ता नीसलियां करके कह दिंदे आ पंजाबी च आपां, लत्ता लंबियां करके बैठे सी, लत्ता पसार के बैठे सी। कहिंदे बस चेते रखियो जिस दिन परमात्मा तो सवा अपने मुरशद तो सवा किसे बंदे के हाथ अड्डने शुरू कर दोगे, उस दिन तो बाद लत्तां पसार के बैठने वाली अवस्था नहीं मिलेगी। लत्तां पसार के कौन बैठ सकता है? रंग हसदे रंगा विच रोंदे, रंग हसदे
हसदे रंगा विच रोंदे परवाह ना किसे दी करदे साधु साधु परवाह ना किसे दी करदे रंग हसदे रंगा विच रोंदे परवाह ना किसे दी करदे साधु साधु परवाह ना किसे दी करदे रंग हसदे रंगा विच रोंदे रंग हसदे हसदे रंगा विच रोंदे परवाह ना किसे दी करदे साधु साधु परवाह ना किसे दी करदे रंग हसदे बेपरवाही दे आलम च बेपरवाही दी मस्ती च बेपरवाही दे रस विच विचरदे है किसे अगे हाथ नहीं अड़दे अपने मालक तो सब कुछ मंगदे है याद रखियो जेडे दुनियादारां दे अगे हाथ पसारदे है ओ कदे लत्तां पसार के नहीं बैठ सकदे अज गुरमुखो साडी कौम दी जेड़ी दुर्दशा हुई है ना बोतात विच इस बिरती ने भी सानू मारिया अज धार्मिक मनुख भी कहिंदा मैं तां खुश हां जे किसे वड्डे नेता नाल किसे वड्डे अमीर नाल मेरी फोटो होए ते बाणी ने ते रस्ता ही होर दिखाया सी गुरमुख ढंग ही होर दस्या सी कैसी बेपरवाही कैसी अवस्था आओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन बख्शिश करन धन गुरु नानक देव पातशाह जी ने उस बहलोल फकीर दे हिरदे दी अवस्था ऐसी बनाई किते गुरु साहब जी दी कृपा हो जाए साडे हिरदे विचों ए अरदास निकले खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे दर्शन पेखत मन अगावै नानक मिलन सुपाई जी इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो होईयां बेअंत प्रकार दीयां गलतियां भुल्लां बेअदबियां सरबत संगत ने खेमा कर देनियां सारियां संगतां दा धन्नवाद है जी आया नूं गुरु के कीर्तनियां दा संसार गुरु की संगत ही हुंदी गुरमुखो गुरु दीयां बातां करन वाले संगत दे प्यार दे विच ही जींदे आ बाकी तो तुहानू पता ही है सारा कुछ आप सारिया संगतां दा प्यार ही है जेड़ा चढ़दी कला विच रखदा है जेड़ा हर समय उस प्यारे प्रीतम दे नवे अहसासां तों जाणू करवाउंदा है बड़ा प्यार बड़े लंबे अरसे तों इस इलाके दीयां संगतां बख्शिश करदियां आ रहियां ने इस स्थान दे महापुरख बाबा अमर सिंह जी ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਪਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ
राम कली महला तीजा आनंद इको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया माया सहज सिद्धि मन मनिया बधाइया बोलो जी सब दो गावो हरि केरा मन जनी बसाया नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रो तू मन मेरे सुख सब विसारना कारो करे तेरा कार्य सब सवारना कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साहेबा क्या नहीं कर तेरे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे जिनकै मन सियावज शब्द कनेरे नाम मेरा आधार साजना में आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया करता सुख मन आए वसिया जनी छा सब पुजाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साजा मेरा आधारो वाजे पंच शब्द चित कर सपाटे पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया कुल कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कहलाके आनंद सुनो वट भाग्यो सगल मनोरथ पूरे संत साजन भए सरसे पूरे गुर से जानी पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत देव सराम कोई जाई दाया खेले सगल जगत कर्मी आपो अपने के निड़क दूर नाम ते आया गए मसकत काल जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुखौज ले वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम